है, तुम लोग को आज जब एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है वो है एनीमोमीटर, ठीक है। सर रोटामीटर, रोटामीटर तो तुम लोग पढ़ लिए होगा, सर रोटामीटर के बारे में नहीं सर पढ़े तुम लोग? आई थिंक रोटामीटर नहीं पढ़े। ठीक है, हम वो नेक्स्ट दिन पढ़ा देंगे, आज एनीमेटर शुरू करने वाले हैं तो एनीमेटर पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो एनीमेटर का नाम तुम लोग सुने कभी भी? नो सर। नहीं सुने हो? ओके, एनीमेटर एक्चुअली है क्या ना? एनीमेटर क्या है पहले बता, एनीमेटर है क्या? एनिमो मतलब पता है कुछ? याद नहीं आ रहा सर। अच्छा देखो, सर टू ये तो मेजर द स्पीड ऑफ एनिमोमीटर स्पीड एयर मेजर करता है। तो एनिमोमीटर स्पीड किसका भी स्पीड मेजर करता है? तो सर, कोई भी एयर का रोटेशन पार्ट का, कोई भी रोटेशन पार्ट का बोल सकते हैं। नहीं रोटेशन पार्ट, हाँ कोई भी रोटेशन मतलब क्या? तो टरबाइन बोल सकते हैं। टरबाइन का स्पीड मेजर कर सकते हैं? कैसे? यस सर, उसका स्पीड मेजर हो जाएगा सर। कैसे होगा वो नहीं पता, लेकिन एनोमीटर के थ्रू हम किसी भी टॉर्क को मेजर कर सकते सर। टॉर्क एक्चुअली बेसिकली तो एनोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट, उससे हम लोग स्पीड ऑफ विंड, विंड का स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ द विंड, विंड का स्पीड मेजर कर सकते हैं, कोई भी किसी का फ्लो रेट का स्पीड मेजर कर सकते हैं हम लोग, बा गैस, कोई पाइप से गैस फ्लो हो रहा है तो उसका स्पीड मेजर कर, कितना फ्लो रेट है वो मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो एनिमो जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड का एक वर्ड है, वहां से आया है, उसका मीनिंग एक्चुअली मीनिंग होता है विंड, ठीक है। तो बेसिकली विंड का स्पीड मेजर करने के लिए एनिमेटर का यूज होता है, ओके। यस सर, यस सर। तो एनिमेटर बेसिकली क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, क्या मेजर कर सकते हैं एनिमेटर से हम लोग ना, स्पीड ऑफ द विंड, विंड का स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, इसका मैक्सिमम यूज, इसका जो भी यूज होता है वेदर स्टेशन में, यही एनिमेटर का यूज होता है वेदर स्टेशन में। जो हम लोग का वेदर कल क्या होगा जो बता देता है ना वेदर स्टेशन से, तो वहां पर एनिमेटर का ज्यादा यूज होता है। तुम लोग बहुत लोग देखे होगा कुछ एनिमेटर जैसे काप टाइप का रहते हैं ना, देखे हो काप टाइप का? यस सर, तो पहले थोड़ा यस सर। कुछ पॉइंट बताते हैं, पहले टाइप बताते हैं ना। बेसिकली जो टाइप होता है एनीमीटर का, एक होता है तुम लोग का काप एनीमीटर, हॉट एनीमीटर, विंडमिल एनीमीटर होता है, लेजर डोपलर एनीमीटर होता है, एंड सोनिक एनीमीटर, मतलब बेसिक पॉइंट एनीमीटर के पार्ट है। जैसे एक है काप, ये तुम लोग मैक्सिमम वेदर स्टेशन में देखोगे काफ एनिमेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले हम, बोलो हॉट वायर, हॉट वायर एनिमेटर होता है, विंड व्हील एनिमेटर होता है, लेजर कपलर होता है, एंड लास्ट एक सोनी का नाम होता है। ठीक है, तो ये चार पांच टाइप, फोर फाइव का हम लोग का एनिमेटर होता है। तो बेसिकली सात टाइप का एनिमेटर हम लोग वेदर स्टेशन में देखते हैं, सब देखा है इसका सारा कुछ तुम लोग हम जस्ट फिगर दिखा रहे हैं। तो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली ये वाला हॉट एनिमेटर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा, बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम लोग को डिस्कस कर देंगे। तो एनीमीटर क्या है ना, एक विंड स्पीड मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग फ्लो गैस का फ्लो रेट भी मेजर कर सकते हैं और विंड का स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली वाटर एनीमीटर जो होता है, ये भी हमारा टू टाइप्स का होता है, इसका भी हमारा टू पार्ट होता है, कॉन्स्टेंट करंट मेथड एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेथड। ये होता है टू टाइप का, कॉन्स्टेंट
current method and constant temperature method. ठीक है, तो एनोमीटर का पार्ट है, इन टाइप का होता है एनोमीटर। ये एनोमीटर का क्लासिफिकेशन है, एनोमीटर का, ठीक है, ये करेंगे, ये होता है इसका एनोमीटर का क्लासिफिकेशन, इस टाइप का होता है। आप पढ़ा है विल बी लेदर कपड़ा एंड सॉरी वाटर एनोमीटर का दो पार्ट होता है, कांस्टेंट करंट मेथड एंड कांस्टेंट टेंपरेचर मेथड। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज, ये दोनों हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कापका एनोमीटर क्या है, विंडमिल टाइप क्या होता है, डॉपलर टाइप क्या होता है, सोनिक एनोमीटर क्या होता है, लास्ट में हॉट एयर एनोमीटर जो हम लोग का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, तो यस सर, तो फर्स्ट जो हम लोग का एनोमीटर है, जैसे कप टाइप एनोमीटर जो है, ये तुम लोग काम शुरू कर रहे, देखो सबका स्क्रीन में आ रहा है, देखो तो yes, sir. देखो इस टाइप का कप टाइप एनोमीटर रहता है, चारों टाइप का, चारों कप रहते हैं, हॉरिजॉन्टल इसमें कनेक्टेड रहते हैं और वर्टिकली इसके रोटेटर के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो ये मैक्सिमम वेदर स्टेशन में यूज होता है, ये वाला कप टाइप एनोमीटर का, इसमें फोर हेमी सर्कल फियर देख पा रहे हो, पूरा कप मतलब आधा इसमें हेमी सर्कल फियर टाइप का कप है और हॉरिजॉन्टली उनके साथ इक्वली का एंगल हुआ है और वर्टिकल में शेप के कनेक्टेड है। और ये जो कप का पोजीशन ऐसे है, कोई भी साइड से भी एयर पास हो तो ये क्या होगा, बोलो, रोटेट करेगा, कप रोटेट करेगा और इसका जो रोटेशन होगा इस कप का, मतलब इसका जो भी इसका जो रोटेशन होगा, इसका बोलो जिस साइड से भी होगा उस एंगल में ये रोटेट करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा ना, कितना स्पीड है वो काउंट होगा, मेरा जो शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ यहाँ पर मोटर रहता है, इस छोटा सा शाफ्ट पहले रहता है, उसके फिर मोटर का जो है वो उसमें वहां पर स्पीड स्पीड काउंट किया जाता है, कितना उनका कितना स्पीड है, वो एवरेज को एवरेज करके उसका स्पीड मेजर किया जाता है। मतलब जो वर्टिकल सेक्शन है उस सेक्शन से हम लोग को पता चल जाता है विंड कितना स्पीड है और कितना हवा चलने वाला है, वेदर का जो भी स्टेशन है वो स्टेशन और कुछ उसके साथ साथ और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट इसमें गाइडेड रहेगा, तब हम लोग पता चल जाएगा। बेसिकली ये कार्प टाइप एनोमीटर इस टाइप का होता है। ठीक है, यस सर, ओके, और दो जन कंफर्म है, सर ये एक ही तरफ से घूम सकता है कि दोनों तरफ से? देखो तुम्हारा विंड का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन से आएगा ये इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है, जिस डायरेक्शन में से आएगा, पकड़ लो तुम्हारा जो विंड का डायरेक्शन है इस साइड से आ रहा है तो इसमें जो काफ है उस डायरेक्शन में रोटेशन होगा उसका, पकड़ लो नॉर्थ सेक्शन से हवा दे रहा है तो नॉर्थ से रोटेट करेगा, इसलिए तो इसी टाइप से अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर। बस समझ में आ रहा है? यस सर, ओके, तो ये हुआ मैं हम लोग का काफ टाइप एनोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेजर टाइप का एनोमीटर जो होता है। लेजर टाइप एनोमीटर मतलब नाम से क्या पता चल रहा है, बोलो, जो लेजर से रोटेट करे, लेजर से रोटेट नहीं मतलब वो उसमें क्या होता है ना, दिखा रहे हैं लेजर वाला, ये वाला देखो, देख पा रहे हो फिगर? यस सर, लेजर मतलब हम एक एक जगह से लेजर को पास करेंगे, कौन सा जगह से, जो मेरा पार्टिकल जो पाइप है, पकड़ लो ये मेरा पोर्शन है, ये मेरा पाइप है, इसमें से फ्लूइड पास हो रहा है, क्लियर, इसके अंदर फ्लूइड पास हो रहा है, ये वाला फ्लूइड है, बा कोई भी यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल पास हो रहा है, ठीक है, और हम लेजर से, इस लेजर से यहाँ से लेजर को लेंस के ऊपर गिरा रहा है और क्या होगा, इस सेक्शन से लाइट उस जो फ्लूइड पास होगा यहाँ से उसके ऊपर गिरेगा और ये जो फ्लूइड पास हो रहा है यहाँ से, फ्लूइड के कारण इसका जो लाइट है लेजर का उसमें थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यहाँ से जो पास होगा उसके कारण इसका लाइट में इफेक्ट होगा कि नहीं? Yes, sir. और इसका लाइट में इफेक्ट होगा मतलब इसका क्या चेंज हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा और वही फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रहा है, वही फ्रीक्वेंसी के कारण
जो जितना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है वो नेक्स्ट एक डिटेक्टर रहेगा, लाइट डिटेक्टर, वो कितना चेंज हो रहा है, और चेंज किसके कारण हो रहा है ना, ड्यू टू फ्लूइड फ्लो, जो फ्लो हो रहा है उसके कारण चेंज हो रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी मेजर करने से ही हम लोग को पता चल जाएगा उसमें कितना फ्लो रेट था व कितना स्पीड में जा रहा था, ड्यू टू, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ वो तो ड्यू टू फ्लो, फ्लो के कारण से ही चेंज हुआ, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस टाइप का लेजर डार्ट कैसे बता लीजिए। हाँ बोलो। बोल रहे थे ना कि किस तरह से मेजर होता नहीं पता चला। नहीं, मेजर किस तरह से होता है, मतलब यहाँ पर देख फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, जो मेन फ्रीक्वेंसी पकड़ लो, मेरा जो लाइट हम दिए है उसका जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है पकड़ लो, एज अज्यूम 50 है, मगर कुछ पार्टिकल जाने के कारण उसका फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज हुआ, और जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ वही उसका फ्लो रेट होगा, और फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए और एक लाइट डिटेक्टर वाला सेंसर लगा हुआ है जो उसको चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ है वही इक्विवेलेंट को मेरा फ्लो रेट होगा। उस टाइप से लेजर डॉपलर मेथड से बार लेजर जो एनोमीटर होता है उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसका स्पीड का, फ्लो जो फ्लूइड फ्लो होता है पाइप से उसका, ठीक है। ये लेजर कटा। सोनिक एनोमीटर क्या है, सोनिक टाइप, उसमें बेसिकली जस्ट हम तुम लोगों को बेसिक बता रहे हैं, इसका और कुछ नहीं, इसमें तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है। जैसे सोनिक टाइप जो है थोड़ा साउंड के ऊपर इफेक्ट करता है, मतलब उसमें कुछ साउंड, जो भी साउंड उसमें जाएगा, जैसे लेजर टाइप का एक लेजर डिप्लोर मेथड, जैसे इस टाइप का एक देख पा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ से लेजर जा रहा है और बीच में पकड़ लो एक छोटा सा कार व कुछ पार्टिकल आ गया, तो इसका जो लेजर का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये थोड़ा चेंज होगा, इसमें इफेक्ट होगा ना इसके कारण, जिसको कुछ पार्टिकल के कारण तो चेंज होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, और वही फ्रीक्वेंसी चेंज के कारण क्या है ना, वो गाड़ी इसमें बाहर कुछ जा रहा था उसके कारण। तो मेनली जो लेजर डॉपलर मेथड है, जो एनोमीटर है, वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करके बता देता है उसका कितना स्पीड है और कितना फ्लो था वो वाला। बेसिकली लेजर डॉपलर जो एनोमीटर का यूज होता है वो तुम्हारा जो जेड इंजन होता है, हाईटेक जेड इंजन हम लोग का जो जहाँ पर यूज होता है जेड इंजन का, उसमें एक्चुअली लेजर टब का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप। हाँ बोलो सर, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। अरे हाँ बोलो सर, बोर्ड है ना कि अगर फ्रीक्वेंसी सपोज 500 किया, 5 सर, हम इसका फ्लो रेट क्या बताएंगे फिर? देखो, 5 एक वैल्यू रहेगा जिस वैल्यू से हम बोल पाएंगे 1 फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, 2 फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, 5 चेंज हो रहा है, उस इक्विवेलेंट टू जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा उस इक्विवेलेंट टू वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी कैलिब्रेटेड रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा जिससे फ्रीक्वेंसी कितना चेंज हुआ और किसके कारण फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, उसमें जो फ्लो रेट होगा उसके कारण ही ना मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है लाइट में एक्चुअली। जितना कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए ना, जो हम बात बोल रहे हैं तुम लोग को, मेरा जो साउंड है इसमें भी फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी पता है कितना है, हम लोग जो बात कर रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी कितना है पता है, एनी आइडिया किसी को? नहीं सर। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है हम लोग का वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हम लोग जो भी बोलते हैं, हम लोग जो लाइट जो आंख से देख रहे हैं, जो कंप्यूटर देख रहे हैं, जो मोबाइल देख रहे हो, ये भी फ्रीक्वेंसी मैच होना फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ डिपेंड है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी मेरा आंख के साथ, मतलब हम लोग जो देख पा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी मेरा आंख का फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, जो ब्लैक हम लोग अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते, उस जगह का जो फ्रीक्वेंसी होता है मेरा फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करता है, तो वो इफेक्ट चेंज होता है। उसी टाइप से जो लाइट हम लोग सेंड कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज हो रहा है ड्यू टू जो पार्टिकल पास कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंज होगा वही इक्विवेलेंट उसका किसके कारण हो रहा है ना, उस जिस पार्टिकल जा जो फ्लो रेट गया है उसके कारण, तो उस फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट टू हम बोल देंगे उसका ना फ्लो रेट है। अभी यूकेश का जो क्वेश्चन था सर, 5 आएगा तो क्या बोलेंगे, तो 5 आएगा तो सेटअप जो अरेंजमेंट होगा उसमें वहां से वो लोग बोल पाएगा 5 चेंज होने में कितना फ्लो रेट जा रहा है, वहां पर 5 होने में उसमें 5-6 बोलेगा क्या, 10 बोलेगा कि 50 बोलेगा, वो तो जो कैलकुलेशन वहां पर होगा उस दौरान वो लोग बता पाएगा उसमें कितना रेट फ्लो रेट होगा। क्लियर?
सर जो फ्रीक्वेंसी को फ्लो रेट में कन्वर्ट करता है तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो सर लास्ट में लगाया हुआ है? फ्रीक्वेंसी हम लोग लाइट डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी में भी यहां पर जो लेजर डॉपलर है, लेजर दे रहे हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी मतलब लेजर जो भेज रहा है, लाइट जो भेज रहा है, लाइट का फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर कर रहे हैं। लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज जो हो रहा है उसको लाइट डिटेक्टर से उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग, जो उसका पहले था अभी डिवाइस के जाने मतलब लिक्विड के पास होने के बाद उसमें कितना फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग चेक कर रहे हैं यूजिंग लाइट डिटेक्टर से। ओके यस सर। लाइट डिटेक्टर में भी एलडीआर हो सकता है, एज ए एग्जांपल बोल रहा है, जैसे एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर बोल के एक है एलडीआर, वो होता है तुम्हारा जो हम लोग इसमें जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लैम्प होता है, ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लैम्प होता है उसमें एलडीआर का यूज होता है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लैम्प पता है जो मतलब जब शाम हो जाता है वो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लैम्प लाइट क्या होता है देखे हो, जल मतलब लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, उसका कारण क्या पता है? उसमें क्या है ना एक एलडीआर का यूज किया जाता है, उसमें एक रेजिस्टेंस रहता है, वो क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, मतलब जब लाइट नहीं रहेगा तो क्या होता है उसमें लाइट नहीं रहेगा उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और इससे जो सर्किट कनेक्टेड है उस सर्किट से वो जो स्ट्रीट लैम्प है उसको ऑन कर देता है क्योंकि पता चल जाता है उस रेजिस्टेंस मतलब लाइट उसमें नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, मतलब लाइट गिरेगा तो सर्किट सही से रहेगा और लाइट नहीं गिरेगा उसके ऊपर मतलब सर्किट मतलब एलडीआर का दिखाएगा अभी डार्कनेस आ गया, मतलब वो ऑटोमेटिकली सेंसर होता है एलडीआर सेंस करके ऑटोमेटिक स्ट्रीट लैम्प को ऑन कर देता है। ठीक है, लाइट डिटेक्टर को डिस्कस कीजिएगा। नहीं वो तुम लोग का तो सिलेबस में नहीं है एलडीआर, ठीक है, वो तो सेंसर का अलग पार्ट है, वो तुम लोग का नहीं है। तो अभी जो हम लेजर डेवलप है ये भी तुम लोग का जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए, हम लोग जो मेन टॉपिक हम लोग का हॉट एयर एनेमीटर उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये लेजर का एक टाइप था और सोनिक एनेमीटर जो होता है वो भी साउंड वेव के ऊपर डिपेंड करके स्पीड इनका स्पीड मेजर करता है। साउंड का मतलब वेव, साउंड का वेव जैसे साउंड का वेव से ही जो विंड का स्पीड कितना होगा उस वेव को मतलब कैच करके यूजिंग ट्रांसड्यूसर से पास करके उसको हम मेजर करते हैं यूजिंग सोनिक एनोमीटर, उससे विंड का स्पीड मेजर किया जाता है। ठीक है, और एक लास्ट में है विंड मिल एनोमीटर में विंड मिल देखे हो तुम लोग? विंड मिल कौन कौन देखे हो और कहाँ देखे हो? पर इमेज देखे हुए नेट पे से सामने सर, हम वीडियो देखे हुए टीवी में। प्रैक्टिकली कहाँ देखे हो कभी भी? क्या सर प्रैक्टिकली देखे हो? नो सर। ओके ठीक है, चलो तुम लोग के पास एक फिगर आया है, फोटो शेयर हुआ है तुम लोग के पास? यस सर। ओके देखो यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअली विंडमिल, इसमें थ्री ब्लेड है और उसका एक रोटर इस टाइप से कनेक्टेड है और एक सेट मतलब एक स्टैंड है जिससे वो कनेक्टेड है, 20 फीट ऐसा कुछ का हाइट में रहता है ये वाला। ठीक है, 20 फीट से ज्यादा ही रहता है, 40 फुट ऐसा कुछ साइज रहता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कितना हाइट रहता है हमको याद भूल गया। ये है विंडमिल का, थ्री ब्लेड रहता है इस टाइप से। ठीक है, इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, इसमें क्या होगा ना जिस एंगल से इसमें हवा आएगा तो ये वाला ब्लेड घूमेगा। ठीक है, और ब्लेड घूमने से क्या होता है ना, ये एक्चुअली मैकेनिकल डिवाइस है, ये विंडमिल जो होता है मैकेनिकल डिवाइस हम लोग इसको बोलते हैं विंडमिल को। इसमें वेलोसिटी, विंड का जो वेलोसिटी है हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे ना, इसमें यूज होगा तुम्हारा एनोमीटर, जो हॉट एयर एनोमीटर है हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें उसका डायरेक्शन मेजर करने के लिए मतलब इससे जो एनोमीटर इधर लगा हुआ है, जैसे कप टाइम एनोमीटर इधर लगा हुआ है तो विंड का जिस डायरेक्शन से विंड आएगा तो उस डायरेक्शन फेस में इसको हम लोग को घुमाना होगा, इसका जो रोटर जो स्टेप्ट है इसको उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना। पकड़ लो 45 डिग्री एंगल में मैक्सिमम विंड तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? पकड़ लो, ये तुम्हारा साउथ वेस्ट है, ये जीरो यहाँ पर है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है और ये पकड़ लो ये 45, इस सेक्शन से मैक्सिमम विंड तुमको मिल रहा है। ठीक है, और तुम्हारा जो विंड मिल है वो सेटअप है 90 डिग्री में खड़ा हुआ है।
तो विंडमिल का ब्लेड जो है घूमेगा, और इसको इस जो जो ब्लेड है इस ब्लेड को एलिस्ट घूमने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड लगना, इतना स्पीड रिक्वायर होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसमें रिक्वायर होना पड़ता है, तब भी जाके इस विंडमिल का ब्लेड घूम सकता है, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा इसका ब्लेड। हेलो हेलो यस सर, सुन पा रहे हो क्या? हाँ, एक्चुअली यहाँ पर जो एनिमेटर है इसका क्या काम है ये बताने के लिए हम बोल रहे हैं डायरेक्शन का क्या होगा। तो क्या करना होगा, 45 से मैक्सिमम विंड आ रहा है, तुम्हारा जो विंडमिल है ये 90 डिग्री में तुम खड़ा कर दे उसको, तो क्या करना होगा तुमको बताओ? इसको चेंज करेंगे और क्या? इसका फेस को चेंज करना होगा 45 में, तभी जाकर मैक्सिमम स्पीड इसमें आएगा और हम लोग मजा कर देंगे। इसका फेस चेंज होता है? यस, इसका फेस चेंज होता है, और वो फेस चेंज कैसे होगा ना, यूजिंग एनोमीटर, हॉट एनोमीटर से हम लोग यूज करके उसका विंड का हम लोग डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, विंड का हम लोग डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। यूजिंग एनोमीटर हम लोग विंड का डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन से विंड आ रहा है। सर, इसको चेंज कैसे करेंगे? तो उससे उसका डायरेक्शन मेजर होगा, उसका फेस चेंज होगा। देखो एक सर, अपने आप ही हो जाएगा फिर उसका फेस चेंज। हाँ, उसका फेस चेंज तो हम लोग को करना पड़ेगा ना, घुमा के। हाँ, घुमा के करना पड़ेगा, घुमाएंगे हम लोग। इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है, पकड़ लो इस टाइप से ब्लेड इसमें खड़ा हुआ है, 3 ब्लेड, ठीक है। तो इस फेस चेंज कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? इसका फेस चेंज करना है इस टाइप से। सर, फेस कैसे चेंज करेंगे उसका? फेस उसमें इसका जो सेटअप है, एक मिनट, इसका जो सेटअप है ये वाला सेक्शन, ये तो अपर सेक्शन में बैठा हुआ है मेरा, ये वाला सेक्शन हम थोड़ी इसको घुमाएंगे। यस सर। तो इसको, इसका फेस तो चेंज कर सकते हैं हम, इसमें उस टाइप से मैकेनिज्म है, जिस एंगल, जिस जगह से हवा उसका आएगा उस तरफ से इसको रोटेट हम लोग कर सकते हैं। एक जगह में इसको हम फिक्स बैठा देंगे तो उस डायरेक्शन से हवा नहीं आएगी तो ये चुपचाप रह जाएगा, इसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे वेस्ट बंगाल में एक जगह में है विंडमिल का सेटअप है, तुम लोग नाम सुने होगा, गंगा सागर का नाम सुना है? गंगा सागर? यस सर। तो गंगा सागर में इस टाइप का 8 का 10 ऐसा कुछ विंडमिल है वहां पर, उसमें मैक्सिमम ही काम नहीं करते हैं अभी, क्योंकि वहां पर जो मिनिमम स्पीड एयर का रहना चाहिए वो नहीं है उस जगह पे। कोई गया है गंगा सागर कोई? यस सर, हम गए। तो तुम देखा नहीं उधर ये वाला? नो सर। नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वहां पर देखना ये वाला चीज है उधर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का डायरेक्शन मेजर करने के लिए भी एनोमीटर का यूज करते हैं, जैसे विंड का स्पीड हम लोग मेजर कर सकते हैं तो एनोमीटर से हम लोग उनका डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन से मेरा एयर बा विंड आ रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, जस्ट थोड़ा बेसिक तुम लोग आइडिया देना था इसके बारे में, बस और कुछ नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का मेन जो टॉपिक है हॉट एयर एनोमीटर के बारे में हम लोग आते हैं, हॉट एयर एनोमीटर के में। तो हॉट एयर एनोमीटर क्या है? हॉट एयर एनोमीटर यही है जिससे हम लोग विंड का स्पीड मेजर कर सकते हैं, फ्लूइड का वेलोसिटी, जो भी फ्लूइड है उसका वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, फ्लूइड का वेलोसिटी एंड डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, मतलब विंड का डायरेक्शन एंड फ्लूइड का वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए दो सेटअप रहता है मेरा हॉट एयर एनोमीटर का, दो सेटअप क्या क्या, बेसिकली दो टाइप है, और उसमें क्या क्या लगेगा ना, उसमें हम लोग का बेसिकली रिक्वायर होगा एक पिस्टन ब्रिज का और एक कनेक्टिंग वायर का। जो हम लोग हॉट एयर एनोमीटर बनाएंगे, हॉट एयर एनोमीटर दो चीज का रिक्वायर है, दो चीज क्या क्या बोले हम ना, कनेक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग, और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज।
ठीक है, दो चीज मेन मेरा है, हॉट एयर एनोमीटर डिजाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए दो चीज मेरा इंपॉर्टेंट है, वो है क्या ना, एक कंडक्टिंग वायर एंड एक व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अभी सर कंडक्टिंग वायर किस मटेरियल का बनेगा, एनी आइडिया? कंडक्टिंग मटेरियल का हम लोग को चाहिए मे बी प्लैटिनम हो सकता है और मे बी टंगस्टन हो सकता है, ठीक है, प्लैटिनम और टंगस्टन हो सकता है मटेरियल मेरा कंडक्टिंग जो वायर होगा। वो दो टाइप का होता है बेसिकली, प्लैटिनम, प्लैटिनम का रेट बहुत हाई होता है, मैं अक्सर हम लोग यूज करते हैं, टंगस्टन वायर का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, एनी डाउट किसी को? नेक्स्ट नो सर, उसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, क्या यूज करेंगे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ आइडिया है, और हॉट एयर एनोमीटर मेरा कितने टाइप का है, कॉमनली यूज दो टाइप का मेनली, कॉन्स्टेंट करंट मेथड एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेथड। अभी हम लोग यहाँ पर देखो तुम लोग स्क्रीन में एक फिगर आया है, yes. तो इसमें हम लोग क्या किए ना, एक व्हीटस्टोन ब्रिज लिए हैं, देख पा रहे हो सब, व्हीटस्टोन ब्रिज का कितना रेजिस्टेंस रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज में? फोर। ओके, फोर रेजिस्टेंस में हम यहाँ पर देखो R1, R2 एंड R3, ये मेरा कॉमन रेजिस्टेंस है, और R4 ये जो पोर्शन है यहाँ पर एक R4 लिख दो, यहाँ पर R4 मेरा रेजिस्टेंस है, और R4 कौन सा रेजिस्टेंस है ना, हम जो कंडक्टिंग वायर यूज किए, कंडक्टिंग वायर जिसको हम बोले थे, जो कंडक्टिंग वायर है ये मेरा ये वाला पोर्शन है, और ये कंडक्टिंग वायर हम लोग कहाँ रखे है ना, एक पाइपलाइन है मेरा, पाइपलाइन के बीच में उसको अंदर रख दिए उसको, और अंदर में हम लोग को कोई भी गैस उसके अंदर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में पकड़ लो, इसमें अंदर से गैस में डायरेक्शन में फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से आउटलेट हो जाएगा, और इस पाइप का बीच में उस वायर को हम लोग, जो हम लोग कंडक्टिंग वायर यूज किए थे व्हीटस्टोन ब्रिज का, फोर आर्म रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, फोर आर्म में थ्री रेजिस्टेंस को हम लोग छोड़ दिए, उसके तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग रेजिस्टेंस मेरा रखा हुआ है, और चौथा जो रेजिस्टेंस था उस आर्म में हम इस वाला कनेक्टिंग जो कंडक्टिंग वायर हम लोग जो उसका जो मटेरियल था टंगस्टन वायर उसको यूज किया और इस रेजिस्टेंस के उसमें कनेक्ट कर दिया इधर वाला, तो मेरा ब्रिज कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट किसी को ब्रिज के लेकर? नो सर। ऐसा हाँ बोलो, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं? हेलो, बोलो। यस सर, यस सर। ओके, तो ये हुआ मेरा, एक मिनट, ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आर्म में हम क्या किए ना, एक उस वो जो कनेक्टिंग वायर यूज किए थे उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको कनेक्ट कर दिए, इस टाइप से सेटअप कर दिया, क्या किया ना, उस आर्म से वायर निकाल के मेरा जो टंगस्टन का यूज किए थे उसको लगा दिए पाइपलाइन के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। और व्हीटस्टोन ब्रिज को सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी का यूज किए हैं और एक यहाँ पर रियोस्टेट का यूज किए, उस वोल्टेज बैटरी से जो वोल्टेज जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, इस ब्रिज में जो भी वोल्टेज जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसके
जो इसका जो विक्टर ब्रिज रहता है उसमें एक गैल्वेनोमीटर रहता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ना ई ब्रिज में जो हम लोग सप्लाई देंगे चारों रेजिस्टेंस के जब बैलेंस होगा तब उस टाइम आई करंट का क्या वैल्यू रहेगा, जब ब्रिज बैलेंस होता है आई तब का आई का वैल्यू क्या रहता है, तब हम लोग बोल सकते हैं जब ब्रिज नल पोजीशन में रहता है, जब ब्रिज को नल पोजीशन में किया जाता है उस टाइम गैल्वेनोमीटर का वैल्यू कितना होता है, बोलो जीरो, मतलब आई कॉस्ट टू उस टाइम जीरो। क्यों जीरो, ना हम ए रेजिस्टेंस आर वन रेजिस्टेंस आर फोर रेजिस्टेंस आर टू रेजिस्टेंस आर थ्री रेजिस्टेंस को एक साथ चारों का कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जिसका जो भी वैल्यू है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इसमें एक वेरिएबल इसमें वेरिएबल है चेंज करके ब्रिज को बैलेंस कर लिया और गैल्वेनोमीटर हमको करंट कितना शो कर रहे हैं, ना आई कॉस्ट टू जीरो, ये फिक्स कंडीशन है। अभी अभी पाइपलाइन के अंदर से कोई फ्लो ब्लो ऐसा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक एक कॉमन फिक्स है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ना इसका रेजिस्टेंस मेरा फिक्स है, चारों का रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया मेरा और मेरा ब्रिज भी बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बैटरी में रेजिस्टेंस दिया। और हम लोग का जो मेथड है कॉन्स्टेंट करंट एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेथड, वो दोनों जो मेथड है दोनों मेथड का जो कनेक्शन डायग्राम है सेम है, कोई डाउट किसी को? नो सर। उसका जो ऑपरेशन है कॉन्स्टेंट करंट मेथड, बोर्ड पे लिखा है देखो, कॉन्स्टेंट करंट मेथड एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेथड दोनों का प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल ही काम करेगा, मगर उसमें थोड़ा सा एक कंडीशन है, एक बोला गया है कांस्टेंट करंट मेथड और एक बोला गया है कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड, मगर सर्किट डायग्राम उसका जो कनेक्शन डायग्राम होगा वो दोनों में सेम मेरा। ओके, अभी देखते हैं कैसे काम कर रहा है, इसका प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हम लोग को पता है, जो रेशियो आर्म होता है दोनों रेशियो आर्म, इसमें कौन कौन रेशियो आर्म होता है बता पाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज के? यस सर। हाँ बोलो। R1 by R2, उसके बाद उधर हो जाएगा सर R3 by R4। मतलब बेसिकली हम जो बोलेंगे ये वाला अपर साइड का रेशियो आर्म बाय लोअर साइड का रेशियो आर्म, पकड़ लो ये वाला मेरा R4 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे रेशियो टू रेशियो ना R1 by R2 करेंगे, मतलब R1 by R4 by R2 by R3, ठीक है? यस सर। ओके, सर ऊपर ऊपर होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है सर? वो तुम्हारा R1 by R2 वो डिपेंड करेगा गैल्वेनोमीटर के ऊपर, कहां से तुम गैल्वेनोमीटर लिए हो, ठीक है, इस टाइप से गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो, मैं समझ गया, ठीक है। तो अभी मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, सब फिक्स्ड है। अभी ये जो मेन प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल कि मैं ये वाटर डायनेमिक काम करते हैं ना, बेसिक प्रिंसिपल जो है नोट डाउन करके रख दो, चेंज इन रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस चेंज होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो रेजिस्टेंस है वही होगा तुम्हारा मेजर ऑफ फ्लो रेट। क्या बोले हम, चेंज इन रेजिस्टेंस इज द फ्लो रेट, चेंज इन रेजिस्टेंस टू मेजर द फ्लो रेट, मतलब यहां से जो फ्लो जाएगा गैस में जो भी लिक्विड इसमें पास होगा उसके कारण क्या होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस चेंज होगा और वही चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट टू फ्लो रेट। अभी वो कितना चेंज होगा कैसे होगा वो हम लोग उसके ब्रिज से मेजर कर सकते हैं और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहले ये बात है, नेक्स्ट हम लोग पकड़ लो ये हम तुम लोग को बता रहे हैं कांस्टेंट करंट मेथड, ये है कांस्टेंट करंट, ओके, कांस्टेंट करंट मेथड है, कोई डाउट किसी को, कांस्टेंट करंट मेथड। तो कांस्टेंट करंट मेथड मतलब क्या है ना, हम लोग यहाँ से जो बैटरी में जो सप्लाई सर्किट में दे रहे हैं, ठीक है, थीके? एक बार जो सप्लाई दिया और ब्रिज को हम लोग बैलेंस कर लिए क्या करना पड़ता है ना, हम लोग को ब्रिज को पहले बैलेंस करना पड़ता है और कुछ बैलेंस
करने के बाद कैलोमीटर का नॉल पोजिशन रहता है, उसमें कोई करंट का वैल्यू जो होगा आई प्लस टू उस टाइम जीरो रहेगा, हम लोग देखेंगे इसका इसमें। तो हम यहाँ पर बैटरी में एक सप्लाई दे दिया है और रजिस्टर यहाँ पर है, तो इसमें रजिस्टर किस काम के लिए है ये रजिस्टर पता बोल पाओगे ना? हम लोग जो सर्किट में जो वोल्टेज और करंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग रियोस्टेट। ओके यस सर। ओके, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट करंट मेथड पढ़ा रहे हैं, तो कांस्टेंट करंट मेथड में मेरा करंट का कोई चेंज वैल्यू चेंज नहीं होगा। हम लोग एक फिक्स्ड बैटरी सोर्स लगा दिया है यहाँ पर और रियोस्टेट में हाथ बांध नहीं देंगे, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में इस पोजिशन से लेकर हम यहाँ पर पाइप के अंदर इसको सेटअप कर दिया। अभी इसके ऊपर से अभी फ्लो इसमें जाएगा, इसमें गैस फ्लो इसमें होगा, तो इसका जो टेम्परेचर है हॉट वायर एमिटर मतलब ये जो वायर है इसका कुछ हीट रहेगा, एक वायर कुछ हीटेड रहेगा, हीट इसमें कुछ टेम्परेचर रहेगा हीट वायर में, ठीक है। जो वैल्यू हम शो दे रहे हैं यहाँ से उसके कारण इसमें कुछ टेम्परेचर है ऑलरेडी, इसलिए हॉट वायर इसमें टेम्परेचर कुछ है इसके अंदर, मगर इसमें जो गैस फ्लो होगा उसका टेम्परेचर इससे लेस होता है, इसका टेम्परेचर गैस फ्लो जो होता है उसका लेस होता है, तो दोनों के अंदर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा उसके कारण क्या होगा ना, इसका जो टेम्परेचर है वायर का कंडक्टिंग वायर का वो टेम्परेचर क्या होगा घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो नहीं घटेगा बोलो। हेलो यस सर, इस वायर का जो टेम्परेचर पकड़ लो एक इनिशियल, इसका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है एज ए एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। ओके, ये टेम्परेचर जो फ्लूइड यहाँ पर से वाइड हो रहा है उसका टेम्परेचर 15 से कम है, पकड़ लो 13 है एज ए एज्यूम कर रहे हैं हम, तो क्या होगा इसका जो टेम्परेचर है उसमें इफेक्ट होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू हमको मिलेगा, यहाँ पर वोल्टेज जो अभी जीरो नाल में था एलिमेंट मीटर, अभी वोल्टमीटर रखा है कि वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए, पहले तो बैलेंस था इसमें कुछ वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, पर आई कैलकुलेटर में ही कुछ करंट हमको नहीं मिलेगा, आई नॉट इक्वल टू था जीरो पहले, अभी इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ मतलब कैलकुलेटर में भी हमको कुछ करंट हमको मिलेगा, यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा कि नहीं, से मे बी 1 एम्पियर हो सकता है, मे बी 2 एम्पियर हो सकता है, मे बी 3 एम्पियर हो सकता है, जो करंट हम लोग को मिला है मिल रहा है जो करंट यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर।